वहाँ से बड़वानी से फिर वो गुजरात की तरफ चली जाती है ना। बड़वानी लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, उसके बाद वो आगे निकल जाती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर के जाती है ना। फिर दूसरी बात, नर्मदा नदी के ऊपर जो हमने प्रोजेक्ट्स की बात की थी उसमें एक तो था जबलपुर का बरगी बांध है ना, बरगी डैम, दूसरा था हमारा इंदिरा सागर है ना। इंदिरा सागर के बाद ये तो देखो, ये दो प्रोजेक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, इस प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें इंदिरा सागर जो है ये सबसे बड़ा जलाशय बनाता है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद एक और इसमें बांध आता है, वो आता है महेश्वर के पास है ना, महेश्वर महेश्वर बांध उसको बोला जाता है, और वो भी 400 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी का बांध है। उससे पहले हम थोड़े थोड़े जो उसके सहायक नदियों पर, जो हेल्पिंग रिवर्स हैं उनके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे, जो ज़्यादातर किस पर्पज़ से बनाए जाते हैं, इरीगेशन के पर्पज़ से है ना, सिंचाई के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, बिजली पैदा करना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उनका जो काम वो नहीं है। तो देखो, नर्मदा नदी जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है और इस तरह गुजरात से होती हुई यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले ये देखो, भोपाल के पास है ना, मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ आज, वो देखो हमारा जो अगला डैम है वो कौन सा डैम है भाई, वो है कोलार डैम। कौन सा डैम है? कोलार डैम। ठीक है, कोलार बांध। अब चूंकि ये सारी नेमिंग है इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ है ना आप लोगों ने, क्योंकि हमें डबल डबल लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोलार डैम जो है, कोलार डैम कहाँ पर है भाई? कोलार डैम जो है नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी है? कोलार रिवर। कोलार रिवर मतलब कि कोलार नदी। कहाँ से कहाँ पर है ये? ये है हमारे पास में भोपाल में आ जाता है। ठीक है, भोपाल में है। तो कोलार डैम जो है भोपाल पर, कोलार नदी जो है सहायक नदी नर्मदा की, और इससे इसके ऊपर बंधा हुआ है। ठीक है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो बेसिक पर्पस क्या है? इरिगेशन। क्या पर्पस है इसका? इरिगेशन मतलब की सिंचाई। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ठीक है, ये कितने एरिया को सिंचाई सिंचित करता है? सिंचित, देखो ये डैम यहाँ पर क्यों बनाया गया है, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर पर्टिकुलर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट को भी अगर कवर कर लेता है तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फसलों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है हमारा जो स्टेट है वो थोड़ा सा डेवलप होगा, उन्नति करेगा। इसलिए छोटी छोटी परियोजना। फिर इनसे फ़ायदा क्या होता है कि इनको बनाते समय आपको किसी तरह का कोई भी बड़ा चेंज नहीं करना पड़ता है, मतलब लोगों को शिफ्टिंग नहीं करना है, माइग्रेशन नहीं करना है, सीधा सा डैम बना दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो हाइट है वो इन ऐसे डैम्स की हाइट जो है 23 से लेकर के 25 मीटर तक होती है। ठीक है, 23 से लेकर 25 मीटर तक की हाइट होती है। बेसिक पर्पस जो इनका इरिगेशन होता है, और चूंकि ये नर्मदा की सहायक नदी, ठीक है, जो हमारी नर्मदा जी है उनकी हेल्पिंग रिवर जो है कोलार, उसके ऊपर बना हुआ है भोपाल के पास इसका जो है जगह है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो बांध है हमारा वो है बरना बांध। कौन सा बांध है? बरना। ये बरना जो बांध है हमारा, ये भी छोटा सा डैम है, बरना डैम। ठीक है, जिसको हम कहेंगे बरना बांध। और ये कहाँ पर है भाई? देखो यहाँ पर मैप में अगर देखो तो एक तो मैंने बता दिया आपको ये भोपाल के पास, ठीक है, ये रहा हमारा भोपाल। और बरना जो है ये रायसेन में है। कहाँ पर है? रायसेन में। ठीक है, बरना बांध जो है ये रायसेन में मिलेगा आपको, रायसेन में। और कौन सी नदी के ऊपर बंधा हुआ है? तो बरना रिवर पर ही बंधा हुआ है। रिवर के नाम पर ही इनका जो है नेमिंग कर दिया जाता है। बरना रिवर पर बंधा हुआ है, इसका भी जो मेन पर्पस है वो क्या है? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन ही इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट। अब देखो ये हो गया बरना डैम हमारा। इसके बाद हम अगर आगे चले तो नर्मदा रिवर आगे कहाँ पर जाती है भाई? आगे जाएगी ये खरगोन की बात करते हैं, चल पहले खंडवा की बात कर लेते हैं। देखो खंडवा में, खंडवा की अगर हम बात करें तो खंडवा में जो डैम है वो है सुप्ता डैम, वो भी इसी तरीके का छोटा सा बांध है। कौन सा डैम है? अगला डैम मैं लिखता हूं, थर्ड नंबर का जो है हमारा सुप्ता डैम। ठीक है, कौन सा डैम है? सुप्ता डैम या सुप्ता बांध। ठीक है, ये जो है आपका डैम, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? सुप्ता रिवर के ऊपर बना हुआ है। सुप्ता रिवर भी हमारी क्या है? हेल्पिंग रिवर है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सुप्ता रिवर के ऊपर बंधा हुआ है। अभी जाऊंगा तब, आप तो अभी रहने दो ना, अभी अभी तो जहां मैं लिख रहा हूँ वहीं पर।
ठीक है। चलो फिर इसकी भी हाइट वगैरह की तो बात करने का यहाँ पर हमने कह दिया है कि इस तरीके के जो छोटे डैम है वो 25 ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, केवल इनकी जगह हमको पता होनी चाहिए और किस नदी के ऊपर बने हैं वो नदी का नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दो जानकारी इनके बारे में हमको होनी चाहिए। और तीसरा जो इनका पर्पस होता है वो मैं बता ही रहा हूँ कि सिंचाई के उद्देश्य से ही इनको बनाया जाता है, सिंचाई आसपास के क्षेत्रों में हो जाए ठीक है तो उतना काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये जो है आपका डैम ये 400 से लेकर 450 है ना स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जो है कवर कर देता है। 400 से 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिंचाई कर देता है, कब? जबकि मानसून के टाइम पर पानी अच्छा इसमें भर जाए तो। ठीक है, साल भर का ये काम नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर तक इसका जो पानी है वो फिर सूखने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक, चलो सुक्ता नदी हो गई, सुक्ता बांध हो गया, इसके बाद हम खरगोन में आ जाते हैं। तो देखो खरगोन में क्या है, दो बांध है खरगोन में। एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि है महेश्वर बांध, महेश्वर डैम, जो कि महेश्वर में है, महेश्वर डैम ठीक है, जो कि महेश्वर में स्थित है, महेश्वर ठीक है, महेश्वर में स्थित है। ये मेजर प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है ठीक है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट करीब करीब है 49 मीटर के आसपास, ठीक है 49 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और इसका जो कैपेसिटी है ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो है 250 से लेकर के 300 मेगावाट ठीक है। और अभी धीरे धीरे और इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और इरिगेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेट करता है ये, है ना, लगभग अगर हम देखें तो ये करेगा 12,000 से लेकर के 13,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को जो है ये कवर कर सकता है, मतलब कि सिंचित कर सकता है ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ कौन सी है महेश्वर डैम के बारे में, कि महेश्वर डैम जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छा खासा करता है ठीक है। जो बरगी बांध है वो 100 मेगावाट बिजली बनाता है और ये उसकी कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज़्यादा बिजली का निर्माण करता है ठीक है। महेश्वर डैम, महेश्वर डैम के बाद अगर हम आगे चले तो अगला जो डैम है हमारा, अगला जो डैम है वो भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही है ठीक है। अगला डैम जो है हमारा वो है उपेर, उपेर उपेर है ना, उपेर बेड़ा, क्या नाम है इसका, उपेर बेड़ा, उपेर बेड़ा ठीक है। उपेर बेड़ा डैम कहाँ पर है ये, तो जगह का नाम बता दूं मैं, ये है खरगोन के अंदर ठीक है। खरगोन में नेमित गांव है, नेमित, नेमित एक गांव है, वहां पर जो है ये बना हुआ है ठीक है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो खरगोन ये रहा हमारा, है ना, यहाँ से लाइट आ रहा है, देखो ये रहा खरगोन डिस्ट्रिक्ट ठीक है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डैम है कौन से गांव में है, नेमित गांव में है, नेमित गांव में उपेर बेड़ा, ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये बेड़ा नदी के ऊपर बना हुआ है ठीक है, बेड़ा नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसका भी मुख्य जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो क्या है, इरीगेशन सिंचाई करना, ये सहायक नदी है ठीक है। कौन सी नदी है ये हेल्पिंग रिवर है, नर्मदा नदी की हेल्पिंग रिवर है ठीक है भाई। उपेर बेड़ा, सुक्ता बांध है ना, सुक्ता तो पढ़ा दिया, चलो इसको फटाफट से नोट कर लो। तो देखो अब जब हम याद करेंगे तो कैसे याद करोगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि शुरू से जहाँ से नदी निकल रही है वहीं से हम सारी चीज़ें बोलते चलेंगे सीरियल वाइज, है ना, सीरियल वाइज। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, कौन सा डैम पढ़ा था हमने, सबसे पहले जबलपुर, जो बिग प्रोजेक्ट्स है उनमें से पहला कौन सा था, जबलपुर बरगी बांध है ना। जबलपुर के बाद जैसे जैसे हम इस तरफ आते जाएंगे, है ना, मतलब कि जहाँ से नदी बह रही है वहाँ पर आप चलते चलो धीरे धीरे, तो फिर कौन सा डैम पड़ेगा हमको, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर खंडवा में है, चूँकि वो बड़ा बांध है इसलिए इसको हमने पहले पढ़ा था, है ना। इंदिरा सागर बांध मतलब कि पुनासा डैम जिसको हम कहते हैं, तो पुनासा डैम है। पुनासा डैम के बाद अगला जो बड़ा डैम है वो कौन सा है, महेश्वर ठीक है। तीन डैम जो है हमारे नर्मदा नदी पर बने हुए ऐसे डैम है जो कि मेजर प्रोडक्ट है और जिनका जो पर्पस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है ना, बिजली का उत्पादन करना है। बाकी के जो डैम है छोटे उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस केवल इरिगेशन है, आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करना ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी कई बार क्या होता है, नदियों में लोग ऐसी रेत की बोरियाँ लगा के और पानी रोक लेते हैं, है ना, नहरों में रोक लेते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी छोटे पैमाने पर ताकि कोई माइग्रेशन ना करना पड़े इस तरीके के डैम बनाए जाते हैं ठीक। तो ये हो गया उपेर बेड़ा। अब इसके बाद एक और डैम है ठीक है, एक और डैम है जो गोई डैम, कौन सा डैम है, गोई, गोई डैम,
गोई डैम कहां पर है भाई? गोई डैम जो है ये बना हुआ है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, बड़वानी जिले में है, ठीक है, मतलब कि सबसे लास्ट हो गया ये। देखो बड़वानी को देखो तो कहां पर है, ये रहा बड़वानी सबसे लास्ट में, जहां से नर्मदा जी क्या हो रही है अब गुजरात के अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो बड़वानी में सबसे लास्ट में जो है वो गोई डिस्ट्रिक्ट है, गोई आपका बांध है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? गोई नदी पर ही बना हुआ है, जो कि नर्मदा जी की कौन सी है? सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है, हेल्पिंग रिवर है, ठीक है भाई। और इसका भी मेन पर्पस क्या है? इरिगेशन, इरिगेशन इसका भी मेन पर्पस है। ये इसके बारे में फैक्ट्स हो गए। तो बेसिकली जो आपकी स्मॉल साइज के डैम है उनमें हमें केवल जगह का नाम और नदी का नाम याद रखना है, ठीक है, उसकी हाइट या वगैरह वगैरह जो भी उसके फिगर्स है उनमें हमको नहीं उलझना है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेजर डैम्स है उनमें हम सारी चीज़ें बोलेंगे, बट जो माइनर वाले हैं उनको हम केवल नाम और जगह का नाम और नदी का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई नर्मदा नदी के बारे में हमारी जो कहानी थी ये पूरी हो गई। नर्मदा नदी में अभी एक और चीज़ रह गई है, उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स है वो और मैं बता दूंगा कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि नर्मदा रिवर का उद्गम कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है, किन किन राज्यों से, सॉरी किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर, जिलों से होकर गुजरती है। राज्य की भी बात करें तो अपने एमपी के बाद वो गुजरात में चली जाती है, ठीक। फिर नर्मदा जी के बारे में हमने जलप्रपात देखे थे, वाटरफॉल्स देखे थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर अलग अलग वाटरफॉल्स थे हमारे बहुत सारे, वो भी हमने देख लिए, ठीक। उसके बाद में हमने क्या देखा, ये डैम्स के ऊपर आ गए, परियोजनाओं के ऊपर। देखो जब भी आप जिस तरीके के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम अधिकारी बनना चाहते हैं ना कोई एक ऑफिसर हम बनने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि एक तो नदी जो होती है वो दो राज्यों या तीन राज्यों से होकर निकलेगी, क्योंकि अब जो एमपी की नदी है अगर एमपी से निकल रही है तो आसपास तो सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश तो बीच में है, तो होता क्या है कि वो किसी ना किसी राज्य को क्रॉस करके या तो किसी नदी में मिलेगी जाके या फिर सी में जाएगी। तो वो जो दूसरे राज्य में जब वो प्रवेश करती है तो फिर क्या शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है पानी को लेकर, है ना, कि अलग अलग राज्य अलग अलग नियम है। तो आप चूंकि अगर नदी हमारे यहाँ से निकली है तो उस पर ज़्यादा अधिकार हमारा होता है, एमपी का है, तो इस तरीके से फिर कई तरीके के समझौते होते हैं, जल संधियाँ होती है, और ऐसा ही केस जो है भारत पाकिस्तान या पड़ोसी देश है उनके साथ भी होता है। तो इसीलिए हमको जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो जल संधियाँ उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किसके कितना जो परसेंट है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा, कितना परसेंट इनको मिलेगा, और कहाँ कहाँ कौन कौन से डैम हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो कि एक अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब दूसरी रिवर जो है हमारी मेन रिवर नर्मदा जी के बाद वो कौन सी रिवर है? चंबल। चंबल नदी के ऊपर हम बात करें। देखो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर हम चीज़ें तो बहुत सरल है, आप अगर पढ़ के देखोगे तो बहुत सरल सरल चीज़ें, पर चूंकि वो इतनी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि आप फिर एक नदी को कहीं और से निकाल करके और दूसरी जगह जा करके उसको मिला दोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, और इतनी सारी चीज़ों को याद रखने में फिर प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से हमारी एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है ऐसा टफ जैसा कि इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स वाले लोग करते हैं, ऐसा कुछ कैलकुलेशन वगैरह, यहाँ तो चीज़ें आप जितनी ज़्यादा याद रख सकोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और भूले तो गए, है ना। तो है सब इस चीज़ें आसान पर याद रखना मुश्किल है। चलो भाई अब आगे चलूँ मैं, चंबल नदी के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। तो बताओ ज़रा, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, हाँ, तो बताओ जरा चंबल नदी कहाँ से निकल रही थी? महू से। महू में कहाँ से? जनापाव से। जनापाव में कौन सी पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज कौन सा है? माउंटेन रेंज भूल गए, देखो इधर देखो, नर्मदा जी कहाँ से निकली? अनूपपुर, अमरकंटक से यहाँ बड़वानी के पास निकल गई, ठीक। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ विंध्याचल रेंज है पूरी, कौन सी रेंज है? विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है? सतपुड़ा, ठीक है, हाँ कर दो, ऊपर की तरफ विंध्याचल, नीचे की तरफ सतपुड़ा, ठीक है। अब जो अच्छा अभी तो हमारी सहायक नदियाँ रह गई नर्मदा जी की, वो भी बता देता हूँ कि जो हमारी नर्मदा रिवर है उनकी कुल मिला के अगर छोटी बड़ी सब मिलाएं तो 41 जो है रिवर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सहायक नदियां हैं, ठीक है, 41 नदियां हैं मुख्य रूप से, जो कि हम कह सकते हैं कि 41 हेल्पिंग रिवर्स हैं नर्मदा नदी की, ठीक है। इनको अगर हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्यों बांट सकते हैं?
क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि नर्मदा जी यहाँ से जा रही है तो ऊपर की तरफ से कुछ नदियाँ आकर उनमें मिलती हैं और कुछ नदियाँ नीचे की तरफ से आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो हमने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, एक तो है हम कह सकते हैं कि राइट साइड वाली और एक है लेफ्ट साइड वाली। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट का मतलब भी मैं अभी बताता हूँ आपको। ये हो गई राइट साइड और ये हो गया हमारा, ये इसको हम हिंदी में बोलेंगे वामावर्ती, ठीक है, या लेफ्ट। ठीक है, वामावर्ती, और ये हो गया हमारा दक्षिणावर्ती, मतलब सीधे हाथ की तरफ से और उल्टे हाथ की तरफ से। तो इधर देखो जरा कि जो विंध्याचल पर्वतमाला से जितनी भी नदियाँ निकलेगी, ठीक है, विंध रेंज से, वो सबकी सब कैसी होंगी, वो राइट साइड कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, राइट साइड वाली। और जो नीचे सतपुड़ा के आसपास नीचे से आ रही है वो सब क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी लेफ्ट साइड है। कैसे आप मेजर कैसे करोगे कि नदी जहाँ से निकल रही है उस नदी की डायरेक्शन में आपको मुंह करके खड़े रहना है। ठीक है, जैसे नदी हमारी, नदी कहाँ से जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही, तो आपका मुंह भी किस तरफ होना चाहिए, पश्चिम की तरफ, और आपका मुंह वेस्ट साइड है, फिर आपके जो राइट है वो उस नदी का राइट कहलाएगा और जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है, जैसे बोर्ड पर भी मैं कुछ लिखूं और लेफ्ट राइट बोलूं तो आपके लिए लेफ्ट राइट अलग हो जाएगा, मेरे लिए अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि नदी की धारा की दिशा में आपको मुंह करके खड़े रहना है और आपका जो राइट है वही क्या कहलाएगा, फिर राइट, और आपका जो लेफ्ट होगा वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट। ठीक, चलो अब देखो तो जरा दक्षिणावर्ती में कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, दक्षिणावर्ती में जो है सबसे पहली नदी अगर हम देखें, हथनी नदी है। कौन सी नदी है, हथनी, हथनी नदी है, हथनी नदी। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर हथनी नदी पर है, वो हम देखना भूल गए हैं। ये झाबुआ से आती है, कहाँ से आती है, ये झाबुआ से आती है। ठीक है, झाबुआ से आती है और इसके ऊपर जो है जोबेट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, जोबेट प्रोजेक्ट, जोबेट प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये किसकी मेमोरी में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है शहीद चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर, ये हमारा रह गया था, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे हमारे, इनके नाम के ऊपर जो है ये बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, हथनी नदी के ऊपर, और हथनी कौन है, हथनी राइट साइड वाली नदी है, किसकी, नर्मदा जी की। बात समझ में आ गई, कहाँ से आती है, झाबुआ से आकर के और अपना जो नर्मदा रिवर है उसमें मिल जाती है। ठीक है, और इसी नदी पर जोबेट प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक, चलो फिर इसके बाद में ऊपर और कौन सी नदी थी हमारे पास, देखो हमने बरना देखी थी, बरना रिवर हो सकती है ना, बरना रिवर, बरना रिवर है यहाँ पर, बरना रिवर, बरना रिवर है ना, बरना रिवर कहाँ पर थी, रायसेन, रायसेन में बरना रिवर हो गई। ठीक, उसके बाद बोलो जरा और कौन सी नदी देखी थी हमने दक्षिण में, मतलब राइट साइड में, हथनी हो गई, बरना हो गई, एक उपेर बेड़ा देखा था अभी है ना, बेड़ा रिवर, बेड़ा रिवर देखी थी हमने, बेड़ा रिवर, ये बेड़ा रिवर कहाँ पर थी, बेड़ा रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रही थी भाई, हाँ बोलो, बेड़ा रिवर खरगोन में आती है, कहाँ पर आती है, खरगोन। ठीक है, खरगोन, ये हो गया खरगोन। ठीक, इसके बाद और कौन सी नदी है, हथनी हो गई, वरना हो गई, बेड़ा हो गई। ठीक, और कोलार नदी, जो भोपाल में कोलार डैम हमने देखा था है ना, कोलार नदी, कोलार रिवर या कोलार नदी, ठीक है, कोलार रिवर। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी कई सारी नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से आती हैं। ठीक है, उसमें हम देखें तो अगला जो है हमारा उरी ले सकते हैं हम, एक उरी रिवर है, ठीक है, एक मान रिवर है, ठीक है, इस तरीके से कई कई छोटी छोटी, जामनेर है ना, वो भी आती है देवास डिस्ट्रिक्ट से, ये सब नर्मदा की हेल्पिंग रिवर से, कौन सी वाली, राइट साइड वाली, ठीक है, जो कि विंध रेंज से आ रही है या कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स, जरूरी नहीं कि विंध रेंज से ही आ रही हो, पर विंध रेंज की साइड से आ रही है। ठीक, फिर वामावर्ती की अगर बात करोगे, लेफ्ट साइड से जो आ रही है नीचे से, नीचे से कौन कौन सी बांध हो जाएगी भाई, कौन कौन सी नदियाँ, सबसे पहले तो देखो जो हमारा अनूपपुर था उसके पास मतियारी करके है ना, मतियारी नदी है सबसे पहले, कौन सी नदी है, मतियारी, ठीक है, मतियारी, मतियारी रिवर, ठीक है, ये सबसे पहले नीचे की साइड से। दूसरा आगे चलोगे तो तवा नदी है, जो कि आपका जो बुरहानपुर है ना, वहाँ पर हो, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पर तवा नदी आपको मिल जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में और आगे चलोगे तो सुक्ता रिवर जो अभी हमने देखा था, ठीक है, सुक्ता रिवर जो अभी हमने देखा था, कहाँ पर थी सुक्ता रिवर,
बोलो जल्दी, खंडवा में थी। कहाँ पर थी? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सुकता रिवर हो गई, सुकता रिवर हो गई, और उसके बाद में गोई रिवर। गोई रिवर, गोई रिवर भी कहाँ पर है भाई? गोई रिवर भी जो है बड़वानी में, ठीक है। तो ये सब नीचे वाली नदियाँ हो गई। इसके अलावा आप देखोगे तो गंजाल एक नदी है, गंजाल ये भी नीचे से आती है, ठीक है। गंजाल के बाद अगर मैं बताऊँ आपको तो शेर, शेर नाम की भी एक नदी है ना, और एक शक्कर नाम की भी नदी है। शेर, शक्कर, गंजाल, गोई, सुक्ता, तवा, और तवा में भी एक छोटी तवा और बड़ी तवा भी है ना। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये कहाँ से आ रही है? ये नीचे की तरफ से आकर के नर्मदा रिवर में मिल जाती है, ठीक है। अभी जब हमारे पास आज एमपी का मैप आ जाएगा तो वो उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो दिख रही है क्योंकि वो जूम किया हुआ है, पर आप लोगों को नहीं दिख रही होगी यहाँ से। और हमें याद ऐसे ही करना है मैप को ध्यान में रख के। मैप को ध्यान में रख के जितनी चीज़ आप पढ़ोगे तो भूलने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? तो देखो जरा, महू से निकलती है ये। महू हमारा इंडोर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर महू इंडोर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। महू में जना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, जो कि विंध रेंज के अंदर आती है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम कि सबसे पहले तो ये इंदौर में है, ठीक है। इंदौर के बाद ये महू में आती है जना पाव, है ना। जाना पाव, जाना पाव की जो विंध रेंज है ना, मतलब कि विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है। माउंटेन रेंज है, विंध रेंज, ठीक है, इससे निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद कहां पर जाती है ये? तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कहां पर है? यमुना रिवर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यमुना रिवर, उत्तर प्रदेश, विंध्याचल माउंटेन रेंज, ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने। तो देखो आप जाके ये मिलती कहाँ है? यमुना, यमुना रिवर में जाकर के ये मिल जाती है। यमुना रिवर देखो जरा कहाँ पर है? तो यमुना रिवर आपको दिखाई देगा ये रही यूपी के अंदर, है ना। तो मतलब ये यहाँ से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? फिर यूपी में, है ना। यूपी में, यूपी में कौन सी जगह पर मिलती है यमुना रिवर? जो है जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है? इटावा, इटावा में जाकर के मिलती है। कौन सी जगह पर मिलती है? इटावा, उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। अब एमपी के अंदर से ये कहाँ कहाँ बहती है? पहली चीज़ तो मैं बता दूँ आपको कि ये तीन स्टेट में फ्लो हो रही है। कौन से स्टेट में फ्लो हो रही है? थ्री स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट हैं? सबसे पहले तो एमपी में आती है, एमपी से निकल रही है। एमपी के बाद ये कहाँ जाती है? एमपी के बाद ये कहाँ जाती है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान से ये वापस कहाँ आती है? एमपी में आती है। फिर कहाँ जाती है? यूपी में। मतलब कि एमपी, राजस्थान और यूपी, ये तीन राज्यों में बहने वाली नदी है, ठीक है। तीन राज्यों से होकर के जाती है। पहले एमपी में जाएगी, एमपी में ये इंदौर से जैसे ही निकलेगी तो देखो हम लिख लेते हैं इसके नाम कहाँ कहाँ जाएगी। देखो महू, फिर इंदौर, इंदौर के बाद जो है ये उज्जैन, उज्जैन में जाएगी, ठीक है, उज्जैन, ठीक है। उज्जैन के बाद ये कहाँ जाएगी? रतलाम, रतलाम जाएगी। रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर, ठीक है। मंदसौर के बाद ये कहाँ जाएगी? नीमच, नीमच। मंदसौर के बाद ये जाएगी नीमच, नीमच के बाद ये कहाँ जाएगी? नीमच के बाद ये राजस्थान में चली जाती है, ठीक है। नीमच के बाद कहाँ चली जाती है? ये राजस्थान में, राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान से जब ये वापस आती है तो कहाँ पर आती है? देखोगे आप यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, मुरैना और भिंड। कहाँ पर आती है? मुरैना और भिंड, भिंड मुरैना है जो हमारा, मुरैना में आती है, भिंड में आती है, और फिर यहाँ से कहाँ पर चली जाती है? यूपी में चली जाती है, ठीक है। तो हम फिर से लिख सकते हैं कि अब ये कहाँ पर आ गई? मुरैना में आ गई। मुरैना के बाद अगला जो इसका स्टॉप है वो है भिंड, ठीक है, भिंड मुरैना, ठीक है। भिंड मुरैना के बाद ये यूपी में चली जाती है और जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? यमुना रिवर में।
यमुना रिवर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, मतलब कि महू से निकली जो कि इंदौर में है, इंदौर से निकली उज्जैन गई, रतलाम गई, रतलाम के बाद मंदसौर, ठीक है, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद राजस्थान में होती हुई, ठीक है, चित्तौड़गढ़, कोटा, इनसे होती हुई फिर कहाँ पर चली जाएगी, फिर से आपके एमपी में वापस आती है, वापस कहाँ पर आएगी, आपके मुरैना में, भिंड में, और फिर यूपी में जा करके इटावा में यमुना जी में समा जाएगी। मतलब कि यमुना की सहायक नदी है, क्या है ये, हेल्पिंग रिवर ऑफ यमुना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अब देखो जरा, इतना नोट कर लो पहले, फिर इसको हम साफ कर देते हैं, अगली चीज लिखेंगे। इसकी लंबाई टोटल लेंथ क्या है भाई इसकी, 1000 बुक पढ़ लो, नहीं 1024 किलोमीटर है, हाँ बुक में भी 40 ही है, बट 1024 उसका अपडेट अगर देखोगे तो क्या है 1024। देखो हुआ क्या है वो देखो, 1040 किलोमीटर है बुक्स में लिखा हुआ, ठीक है, बट अगर आप सर्च करना गूगल के ऊपर तो 1024 ये दिखाएगा आपको। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो मेजरमेंट जो है वो कैसे होता है, जैसे हमने कहा कि इंदौर है हमारा हरदा, जैसे मैं हरदा में रहता हूँ तो हरदा से इंदौर 150 किलोमीटर है, तो उसका मेजरमेंट कहाँ से लिया जाता है, उसका जो मेजरमेंट है वो सेंट्रल से लिया जाता है या उसकी सीमा से लिया जाता है, सेंट्रल से लेते हैं कि सीमा से लेते हैं, तो सेंट्रल से लेते हैं ना, तो उस तरीके से जो मेजरमेंट इस इन नदियों में होता है, जैसे कि जब नदी जहाँ पर मुड़ती है या कहीं पर जहाँ पर जैसे कि रेंज आ गई या कोई शहर आ गया, तो वहाँ पर जो है आपका जो जैसे जो 40 आपकी जो 40 मीटर आप जो बोल रहे हैं 1040 मीटर, उसमें से उसको जो उसका डाटा जो अपडेट हुआ है वो 1024 है। कितना है 1024, कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजंस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा फिर ये बॉर्डर बनाती है किसकी, राजस्थान की और राजस्थान और मध्य प्रदेश की, कितने किलोमीटर की बॉर्डर बनाती है ये बनाती है लगभग 241 मतलब 241 किलोमीटर। चलो ये हो गया पहले, तो मैं फिर दूसरा डाटा लिखूं, ये हो गया भाई। चलो ये भी एक पुरानी नदियों में से एक है, चंबल नदी काफ़ी पुरानी है, ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है मैं इसको एक बार और श्योर कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स में मुझे जहाँ तक अपडेट है 1024 है इसकी टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ जो है अभी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो टोटल इसकी टोटल लेंथ जो है 1024 किलोमीटर, ठीक। राजस्थान में जो है इसकी जो लेंथ है, राजस्थान में ये 135 किलोमीटर के अराउंड बहती है, कितने किलोमीटर बहती है, 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, 1024 में से 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। अगर हम एमपी और राजस्थान के बॉर्डर की बात करें, मतलब मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये नदी आई मेरी यहाँ से, ठीक है, और ये जो बॉर्डर बनाती हुई जाएगी, तो ये बॉर्डर बनाती हुई जाएगी जैसे कि नर्मदा रिवर भी कई डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर बनाती है, तो वैसे ही ये जो है स्टेट्स का बॉर्डर जो है कवर कर रही है, हालांकि होती वो एमपी में ही है, बट उसके उस तरफ क्या दिखेगा फिर आपको, राजस्थान, ठीक है। तो ये कितना बनाती है, ये 241 किलोमीटर के अराउंड जो है इसका बॉर्डर बनाती है, ठीक है। चलो उसके बाद ये वापस से आपके उसमें आती है एमपी में, और एमपी से फिर यूपी में चली जाती है। तो ये चंबल नदी का रूट है और उसकी जो बेसिक लेंथ वगैरह वो ये सारी चीज़ें हैं। चलो इसके बाद हम देखें तो चंबल नदी पर स्पेशल जो परियोजनाओं की अगर हम बात करें, है ना, परियोजनाओं मतलब कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो इसके ऊपर मेजर 3 प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से कोई बता सकता है नाम, चंबल रिवर्स पर 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 2 राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है वो मंदसौर जिले में, उसकी हम बात शुरू करते हैं। चलो ये हो गया भाई, तो हम अगला जो है टॉपिक उसका ले लेते हैं, प्रोजेक्ट्स ऑफ चंबल रिवर, चंबल रिवर्स के ऊपर बनने वाली जो जल परियोजनाएं हैं, है ना, हिंदी में हम इसको कहेंगे जल परियोजना, जल परियोजना है, प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जिसको कि हम डैम कहते हैं। तो देखो जल परियोजना में हम पहले मान के चल रहे हैं कि कौन सी है भाई, गांधी सागर बांध, ठीक है, कहाँ पर है ये गांधी सागर बांध, ये पड़ेगा हमको मंदसौर में, ठीक है, कहाँ पर है, मंदसौर में, मंदसौर जिले में है, ठीक है।
गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है। इसके बाद हम बात करें अगर इसको, तो इसको शुरुआत कब हुआ था ये, ठीक है, शुरुआत या यूं कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 7 अप्रैल 1954, तारीख याद रखना कितनी है, 7 अप्रैल, 7th of April 1954, 7 अप्रैल 1954 को, ठीक है, हमारे जो पीएम थे उस समय के, है ना, पीएम थे पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो नेहरू जी थे हमारे, उन्होंने जो है इसका हम कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चलो तो इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो लगभग है 62.17 मीटर, कितने मीटर है, 62.17, मतलब 17 तो नहीं बोलना चाहिए, 0.17, मतलब कि 62.17 मीटर, ठीक है। और अगर फुट में बात करोगे तो कितनी चली जाएगी ये, क्षेत्रीय 18 हो जाएगा, मतलब कि 200 फीट के आसपास इसकी हाइट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप चेंज कर सकते हो मीटर को फिट में, ठीक है। तो 62.17 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक। फिर इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है भाई इसकी, 514 मीटर, मतलब कि 514 मीटर, आधा किलोमीटर के आसपास ये डैम लेंथ है। लेंथ और सब समझ ही गए होंगे ना आप, कल मैंने बता चुका हूँ लेंथ मतलब क्या है और हाइट मतलब क्या है। लेंथ हो गई, हाइट हो गया, अच्छा इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, बेसिक पर्पस इसका क्या इरिगेशन है, नहीं है ना, इसका हाँ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका बेसिक पर्पस जो है विद्युत का उत्पादन, ठीक है, विद्युत उत्पादन करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। और साथ में इसका जो इरिगेशन है वो भी इससे होता है, इरिगेशन भी इससे होता है और विद्युत उत्पादन भी इससे होता है, ठीक है। तो फिर कितना विद्युत उत्पादन कर लेता है भैया, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ पर, ठीक है, जल परियोजनाओं की अगर हम बात करें ना, गांधी सागर में 23 मेगावाट के 5 टर्बाइन लगे हुए हैं, कितने टर्बाइन लगे हुए हैं, 23 मेगावाट के 5 टर्बाइन लगे हुए हैं, टर्बाइन का मतलब बिजली बनाने की मशीन, ठीक है, 23 मेगावाट के 5 टर्बाइन लगे हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 115, मतलब कि 115 मेगावाट बिजली इससे बन सकती है, 115 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन ये कर सकता है, ठीक है। तो आप केवल 115 भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 115 मेगावाट जो बिजली वो है ये डैम बनाता है, 115 मेगावाट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। हाइट बता दी हमने, ठीक है, लेंथ भी बता दी और उसका डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, ठीक। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं इसके बारे में हम, इसका जल ग्रहण क्षेत्र बता सकते हैं, ठीक है, मतलब कि पानी का भराव कितने में होता है ना, पीछे अगर देखें तो पानी का भराव जो है 15 से 17 हज़ार वर्ग किलोमीटर में ये पानी इसका भराव होता है, लिख लो उसको भी, जगह नीचे जाऊँगा तो फिर उनको दिखेगा नहीं, नहीं ऑनलाइन 15 से 17 रेंज क्यों बताई मैंने, क्योंकि आपको पता ही है कि जल भराव हर सीजन में अलग अलग होता है, ठीक है, पानी अगर ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा जल भरेगा, 15 से 17 हज़ार वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जरूर लिखे यहाँ पे ना, स्क्वायर मीटर के एरिया में जो है ये पानी जल ग्रहण इसकी क्षमता है, ठीक। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर जो है सबसे पहला बांध है जो कि एमपी के अंदर है, और एमपी के अंदर हम कह सकते हैं कि एक ही बांध है, ठीक है, छोटे मोटे बांध की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो एक ही डैम है जो कि गांधी सागर डैम है, ठीक है, चलो है ना, चित्तौड़गढ़ के महाराष्ट्र थे और अब इनके नाम पर ये डैम है, ठीक है। तो डैम का नाम हो गया हमारा, हिंदी में ही लिखते हैं इसको तो, है ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसका ऐसा है, राणा सागर, इसको हम वो हिंदी में रणा को भी नहीं लिखते हैं, वो राणा सागर बांध है ना, तो ये हो गया हमारा राणा सागर बांध। कहाँ पर है ये, राजस्थान चित्तौड़गढ़, है ना, तो मैं लिखता हूँ इसको, ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है चौरासीगढ़, कौन सा गढ़ है, चौरासीगढ़, है ना, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ में अगर और अगर हम डीप में जाएं तो ये राउत भाटा करके एक जगह है वहाँ पर, हाँ रावत, हाँ रावत या राउत,
रावत या राउत भाटा, क्योंकि जो रावत है वो भी उनका सरनेम ही था एक तरीके से। तो चित्तौड़गढ़ में है पहली चीज, है ना, ये हो गया हमारा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ में कहाँ पर है? रावत भाटा। क्लियर इतनी बात? तो इसकी जो पोजीशन है वो सबको पता चल गई। और ये पूरी लोकेशन है कहाँ पर? राजस्थान में। इधर आप देख सकते हो ये यहाँ कहीं पर आएगा, ये राजस्थान यहाँ से शुरू है, मतलब जो हमारी एमपी की बॉर्डर से लग रहा है, तो ये राजस्थान है। यहाँ कहीं पर ये जो डैम है ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर है, ठीक है, राणा सागर बांध। ठीक, चलो अब आगे चलो। तो जगह बता दी हमने, ये जो है चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है राजस्थान के अंदर, ये भी लाइन एक लिख लो, ठीक है, लिख लो जल्दी से, इट इज बिगेस्ट डैम इन राजस्थान। चंबल नदी पर बंधा हुआ सबसे बड़ा बांध है राजस्थान के अंदर। ठीक, अब इसके मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट क्या है इसका? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 1143 मीटर है। कितनी है? 1143 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के आसपास। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 किलोमीटर, मतलब कि 1143, 1143 मीटर्स। ठीक, हाइट की अगर बात करें तो ये गांधी सागर बांध से थोड़ा नीचा है, ये लगभग 53.8 मीटर, मतलब कि 53.8 मीटर इसकी जो है हाइट है। 53.8 मीटर की इसकी हाइट है और लंबाई में ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखो तो इसका बेसिक पर्पस इसका भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एमपी को भी जाती है और राजस्थान को भी जाती है। क्योंकि एमपी से नदी आ रही है इसलिए एमपी को भी जाएगी, और राजस्थान में डैम बना है इसलिए राजस्थान को भी जाएगी। ठीक, कितनी बिजली बना लेता है ये लगभग? तो ये 172, ये एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ मैं ना, 172 मेगावाट। किसी सीजन में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, तो एवरेज वैल्यू यहाँ पर बताई जाती है, 172 मेगावाट बिजली जो है ये बनाता है। ठीक, फिर और इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ा डैम है ये बता दिया मैंने, चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है राणा सागर बांध, चित्तौड़गढ़ रावत भाटम है। हाँ, इसकी शुरुआत जो है ये 1970 में, कब हुई थी? 1970 में हुई थी इसकी शुरुआत। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1970 में इसकी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, चलो फिर प्रोडक्शन भी बता दिया हमने। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक, इसकी हाइट वगैरह ये भी किस पर्पज से बनाया गया है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसका भी है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, कोटा में अंदर है, कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर डैम या बांध। ठीक, चलो फिर इसकी हाइट और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो हाइट है कितनी हाइट है भाई इसकी? इसकी हाइट जो है ये 45 मीटर है। कितनी हाइट है इसकी? 45 मीटर। ठीक, लेंथ की बात करें तो 393 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है ये, यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का लगभग। ये यहाँ पर अगर देखो तो 33 मेगावाट की 3 टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, तो नहीं, 33 × 3 99 मेगावाट जो है बिजली, ये सब एवरेज वैल्यू है, ये आपको बना के देता है। ठीक है, 45 मीटर ऊंचा है, 393 मीटर लंबा है, कोटा में है, जवाहर सागर इसका नाम है, और 33 मीटर जो है, 33 मेगावाट की 3 टरबाइन। अच्छा, डिस्टेंस भी बता देता हूँ मैं कि आपका जो राणा सागर बांध है वो हमारे इससे कितनी दूर है? जो हमारा मंदसौर का बांध था, मंदसौर का बांध कौन सा बताया अभी? गांधी सागर से राणा सागर बांध की दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर। कितनी है? 48। और ये जवाहर मार्ग की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब कि जवाहर डैम की डिस्टेंस कहाँ से? राणा सागर से। ये 27 से 33 तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ रूट्स हैं उसके, तो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो वो 27 आपको दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 27। तो
तो 27 किलोमीटर, मतलब कि आप देखोगे यहाँ पर कि बहुत पास पास में डैम बने हुए हैं, है ना, 40-50 किलोमीटर दूर दूसरे ने डैम बना लिया, फिर उसके बाद डैम बन गए। तो इस तरीके से मेज़र जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से चंबल नदी पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य परियोजनाओं में से 3 परियोजना हो गई, ठीक है। अब सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो चंबल में आप देखोगे कि देखो चंबल की दिशा क्या है, चंबल की जो दिशा है वो किस तरफ से किस तरफ जा रही है, वो बोलो दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही, उत्तर पूर्व की तरफ बोल सकते हैं हम कि दक्षिण से कहाँ जा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ ये बहने वाली नदी है, ठीक है। और ये किसकी हेल्पिंग रिवर है, यमुना रिवर की हेल्पिंग रिवर है।